भारतीय वायुसेना ने 88वीं स्थापना दिवस पर आकाश में अदम्य शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन किया। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना की आन बान और शान देखने को मिली। इस बार एयरफोर्स के बेड़े में राफेल को भी शामिल किया गया है। राफेल के अलावा वायुसेना के कई अन्य लड़ाकू विमानों ने इस दौरान अपनी ताकत दिखाई। आसमान का सीना चीरते और हवा में हैरत अंगेज करतब दिखाते वायुसेना के जाबाज। वायुसेना दिवस पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के हैरत अंगेज करतबों ने लोगों को रोमांचित कर दिया। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश और वायुसेना के सामने साइबर और ड्रोन थ्रेट जैसी कई चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि राफेल, चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से सेना की ताकत में इजाफा हुआ है। The recent induction of state of art Rafale, Chinook and Apache aircraft have added significantly to our combat capability over our adversaries in the battlefield. Our offensive strike capability has been honed further with upgradations of our aircraft with weapon systems and sensors ably supported by a networked decision making matrix. RKS Bhadauria ne kaha ki Vayu Sena ne covid kaal ke dost padosiyon ko har sambhav madad di hai. वायुसेना के परिवहन विमानों ने फंसे हुए विदेशियों को उनके घरों तक सुरक्षित तो पहुंचाया ही, वहीं पड़ोसियों को राहत सामग्री समेत दूसरी मदद भी मुहैया कराई। As the novel coronavirus spread rapidly across the globe, our nation's response was firm, and IF on its part instituted various proactive measures to counter the spread and minimize the disruption in our functioning. The tenacity and resolve of our air warriors ensured that the IF continued to retain its capability and capacity to undertake full-scale operations throughout this period. In fact, we deployed our transport and helicopter aircraft promptly during the lockdown to support COVID-19 tasks pan-India as well as abroad, wherein we flew almost 750 hours, including many missions to bring back stranded Indians across the globe. इस बार हिंडन एयरबेस पर आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा एयरफोर्स के बेड़े में शामिल राफेल लड़ाकू विमान। राफेल के साथ थ्री फॉर्मेशन में जगुआर लड़ाकू विमान भी रहे, जिन्होंने आसमान में ऊंची उड़ान भरी। वही स्वदेश निर्मित विमान तेजस ने आसमान में अपना दम दिखाया। राफेल लड़ाकू विमान के अलावा सूर्य किरण टीम ने एक बार फिर आसमान में अपने कर्तव्य दिखाए। इस टीम के तहत कई लड़ाकू विमान आते हैं जो दुश्मन को वक्त रहते ही ध्वस्त कर सकते हैं। वायुसेना दिवस के मौके पर चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, ग्लोब मास्टर, सुखोई समेत कई लड़ाकू विमानों ने अपना दम दिखाया। वायुसेना दिवस के मौके पर दो चिनूक हेलीकॉप्टरों ने फ्लाई पास्ट में भाग लिया। वायुसेना प्रमुख ने इस मौके पर कई वायु वीरों को सम्मानित किया, जिनमें वो जवान भी शामिल रहे जिन्होंने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय वायुसेना की ताकत से पूरी दुनिया परिचित है। वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों का बड़ा बेड़ा है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास हेलीकॉप्टर और परिवहन विमानों का भी बड़ा कुनबा है। इसके साथ ही देश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने वायुसेना की ताकत में काफी इजाफा किया है। भारत उन देशों में शामिल है जिसके पास सैन्य विमानों के लिए हवा में उड़ान के दौरान ईंधन भरने की प्रणाली है। साथ ही भारतीय वायुसेना के पास अब राफेल विमान भी हैं, जो वायुसेना की ताकत
और बढ़ा रही है। ताकत की बात करें तो दुश्मनों के आक्रमण को आसमान में ही ध्वस्त करने के लिए भारतीय वायुसेना के पास एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हैं। भारत के पास सभी तरह के विमान मौजूद हैं। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। बीते कुछ सालों में भारतीय वायुसेना ऐसी सेना में तब्दील हुई है जिसने दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। वायुसेना वायुयानों के बेड़े को अपग्रेड करने में जुटी है जिससे देश की सुरक्षा में वर्तमान चुनौतियों का बखूबी सामना किया जा सके। मौजूदा बेड़े में राफेल, MiG-21, MiG-27 और जगुआर शामिल हैं। लड़ाकू विमानों की बात करें तो राफेल विमान कई खूबियों से लैस है। इस विमान की लंबाई 15.27 मीटर है और इसमें एक या दो पायलट ही बैठ सकते हैं। राफेल एक मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये अधिकतम 24,500 किलोग्राम का भार उठाकर उड़ने में सक्षम है और इसकी अधिकतम रफ्तार 2,200 किलोमीटर से 2,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 3,800 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसके साथ ही राफेल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। सुखोई 30 MKI रूस में निर्मित दो सीटों और दो इंजनों वाला बहु उपयोगी लड़ाकू वायुयान है। ये एक X-30 MM GHS गन के साथ 8,000 किलोग्राम बाहरी हथियार वहन करता है। ये विमान एक्टिव या सेमी एक्टिव रडार या इंफ्रारेड होमिंग क्लोज रेंज मिसाइलों के साथ अलग अलग की मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाले निर्देशित मिसाइल को ले जाने में सक्षम है। इसकी अधिकतम गति 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिराज 2000 फ्रांस में बना एक सीट वाला हवाई रक्षा और बहु उपयोगी लड़ाकू वायुयान है जो एक इंजन से संचालित होता है। ये 2495 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति हासिल कर सकता है। ये बाहरी स्टेशनों पर 2 30 mm इंटीग्रल कैनन और 2 Metra Super 530D मध्यम दूरी और 2 R550 मैजिक क्लोज कॉम्बैट मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। MiG-29 रूस में बना दो इंजन, एक सीट और बेहतरीन हवाई क्षमता वाला लड़ाकू यान है। ये 2,445 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति हासिल कर सकता है। इसकी लड़ाकू रेंज 17 किलोमीटर है। ये 30 mm कैनन के साथ 4 R60 क्लोज कॉम्बैट और 2 R27 मध्यम दूरी के रडार निर्देशित मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। MiG-27 रूस में बना एक इंजन और एक सीट वाला सामरिक हमलावर लड़ाकू वायुयान है जो 1700 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है। ये एक 23 mm 6 barrel रोटरी इंटीग्रल कैनन और 4000 किलोग्राम के बाहरी हथियार वहन कर सकता है। MiG-21 बाइसन रूस में बना एक इंजन और एक सीट वाला बहु उपयोगी लड़ाकू विमान है। ये जमीन पर हमला करने वाला वायुयान है जो भारतीय वायुसेना का मजबूत आधार स्तंभ है। इसकी अधिकतम गति 2230 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये विमान 23 mm दोहरे बैरल कैनन और 4 R60 क्लोज कॉम्बैट मिसाइलें वहन कर सकता है। जैगुआर एंग्लो फ्रांस निर्मित दो इंजन और एक सीट वाला स्ट्राइक वायुयान है जो अंदर तक जाकर मार करता है। इसकी अधिकतम गति 1350 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 2 30 mm गन होती है और ये 2 R350 मैजिक CCM के साथ 4750 किलोग्राम बम या ईंधन ले जा सकता है। बात अब हेलीकॉप्टर की। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर बेड़े की संख्या में हाल के कुछ वर्षों में तेजी आई है। आज वायुसेना के पास फ्रांस, भारत और रूस में बने 500 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं। MI-25, MI-35 दो इंजनों वाला हमलावर और हथियार रोधी हेलीकॉप्टर है। ये 8 लोगों के हमलावर स्क्वाड के साथ ही नोज बारबेट में 4 barrel वाले 12.7 mm रोटरी गन और 1500 किलोग्राम बाहरी अस्त्र शस्त्र वहन कर सकता है। इसमें एंटी टैंक मिसाइलें भी शामिल हैं। इसकी अधिकतम क्रूज गति 310 किलोमीटर प्रति घंटा है। MI-26 रूस में बना दो इंजनों वाला टर्बोशाफ्ट हेलीकॉप्टर है। इसकी 70 लड़ाकू सैनिकों या 20,000 किलो पेलोड ले जाने की क्षमता है।
इसकी अधिकतम गति 295 किलोमीटर है। MI-17V5 हेलीकॉप्टर एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म और ग्लास कॉकपिट उपकरण के साथ सुसज्जित है। ये हेलीकॉप्टर नौवहन उपकरण और मौसम रडार से लैस है। चेतक फ्रांस में बना एक इंजन वाला टर्बोशाफ्ट हल्का और उपयोगी हेलीकॉप्टर है जो 6 यात्रियों या 500 किलोग्राम भार वहन कर सकता है। चीता फ्रांस में बना एक इंजन वाला टर्बोशाफ्ट FAC हेलीकॉप्टर है जो 3 यात्रियों या 100 किलोग्राम एक्सटर्नल स्लिंग लोड वहन कर सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर की खूबियों की बात करें तो 2 टर्बोशाफ्ट इंजन और 4 ब्लेड वाला ये अटैक हेलीकॉप्टर अपने आगे लगे सेंसर की मदद से रात में भी उड़ान भर सकता है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में 16 एंटी टैंक AGM-114 हेलफायर और स्ट्रिंगर मिसाइल लगी होती है। हेलफायर मिसाइल किसी भी आर्मर्ड व्हीकल जैसे टैंक, टॉप, BMP वाहनों को पल भर में उड़ा सकती है। वहीं स्ट्रिंगर मिसाइल हवा से आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम है। चिनूक हेलीकॉप्टर एडवांस मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। चिनूक 9.6 टन का भार लेकर काफी ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। साथ ही चिनूक भारी मशीनरी और हथियार भी ले जा सकता है। ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी कारगर तरीके से काम करता है और इसका इस्तेमाल सैनिकों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के साथ साथ आपदा राहत कार्यों में भी किया जा सकता है। परिवहन या कार्गो एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के बेड़े में C-130J, IL-76, C-17 और AN-32 जैसे नाम शामिल हैं। C-130J वायुयान पैराड्रॉप हेवी ड्रॉप हताहतों को दूसरे स्थान पर ले जाने में सक्षम है। साथ ही ये छोटी और अर्ध निर्मित सतहों से चालित किया जा सकता है। विमान C-130J सुपर हरक्यूलिस अगस्त 2013 में चीन की सीमा से कुछ किलोमीटर दूर हवाई पट्टी दौलत बे गोल्डी पर उतारा गया सबसे भारी वायुयान है। C-17 वायुयान एक उड़ान में 4000 से 9000 किलोमीटर की दूरी तक 40 से 70 टन का वजन ले जाने में सक्षम है। IL-76 रूस में बना 4 इंजनों वाला सैन्य परिवहन वायुयान है जिसकी अधिकतम गति 850 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये वायुयान 40 टन भार बख्तरबंद वाहनों को ले जाने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। देश में कहीं भी कोई आपदा या अनहोनी हो जाए, एयरफोर्स के जाबाज सैनिक और विमान तुरंत राहत और बचाव के काम में जुट जाते हैं। चाहे वो केरल में आई बाढ़ हो या केदारनाथ की विनाश लीला बाढ़, देश का राहत और बचाव का तंत्र बिना एयरफोर्स के मुमकिन नहीं। लेकिन एयरफोर्स के इस शौर्य की गाथा काफी पुरानी है। आजादी मिलने के साथ ही एयरफोर्स की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं और देश को हर मुश्किल से निकालने में एयरफोर्स ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। देश के विभाजन का असर बाकी संस्थानों के साथ साथ भारतीय वायुसेना पर भी पड़ा। वायुसेना को कई स्थायी बेस और अन्य स्थापनाएं गंवानी पड़ी। दूसरी तरफ कश्मीर हथियाने के लिए सीमा पार से जम्मू और कश्मीर में बड़ी संख्या में घुसपैठ हो रही थी। 27 अक्टूबर 1947 को एयरफोर्स की नंबर 12 स्क्वाड्रन ने पालम से पहले सिख योद्धाओं को हवाई मार्ग से ले जाकर श्रीनगर पहुंचा दिया। इसके अलावा अंबाला में मौजूद एडवांस फ्लाइंग स्कूल से स्पिटफायर वायुयानों की टुकड़ी श्रीनगर पहुंची और पलटन से आगे हमलावरों पर छिपकर गोलाबारी करने में जुट गई। आजादी के बाद भारतीय वायुसेना कई अभियानों में शामिल हुई जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अभियान भी शामिल थे। लेकिन एयरफोर्स के लिए असली परीक्षा शुरू हुई 1962 में जब भारत चीन सीमा पर युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में वायुसेना की परिवहन और हेलीकॉप्टर यूनिटों ने बेहद ऊंचाई पर स्थित
सीमा चौकियों की मदद के लिए 2400 घंटे सैनिकों को भेजने और रसद पहुंचाने के लिए उड़ान भरी। इस संघर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना ने काराकोरम हिमालय पर्वत श्रेणी में समुद्र तल से 17,000 फुट ऊपर वायुयानों का परिचालन और हल्के टैंकों को हवाई मार्ग से चुशाकुल और लद्दाख में उतारने का काम भी किया। इसके अलावा 1965 में पाकिस्तान की ओर से छम सेक्टर में एक बड़े हमले के बाद जब भारतीय बलों के लिए जमीन पर खतरा पैदा हो गया तो छम जौरिया सेक्टर में आगे बढ़ रही पाकिस्तानी बख्तरबंद सेना के विरुद्ध हवाई हमले वैम्पायर FBMK-52 और मिस्टेयर वायुयानों ने पाकिस्तानी बख्तरबंद सेना को लड़खड़ा दिया। दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना के नेट वायुयानों ने इस सेक्टर में पाकिस्तान के सेबर वायुयानों को मार गिराकर अपना वर्चस्व सिद्ध कर दिया। इस तरह 1965 के युद्ध में भी भारतीय वायुसेना ने अहम भूमिका निभाई। 1971 के युद्ध में भी भारतीय वायुसेना ने पश्चिम में दुश्मन के संचार को बाधित किया, ईंधन और आयुध भंडारों को नष्ट करना और जमीनी बलों को जमा होने से रोकने का काम किया, तो पूर्वी सीमा पर वायुयानों और हेलीकॉप्टरों से हमले किए जा रहे थे। पश्चिमी रेगिस्तान में एक शानदार हवाई कार्रवाई में जैसलमेर में मौजूद OCU टुकड़ी के 4 हंटर वायुयानों ने लोंगेवाला में एक पूरी हथियारबंद रेजिमेंट को खत्म कर दिया और इस तरह दुश्मन के हमले पर तुरंत विराम लग गया। यही नहीं, 1999 के करगिल युद्ध में भी भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर हवाई सहायता में जुटे हुए थे, तो ऑपरेशन सफेद सागर के जरिए पूरे करगिल क्षेत्र में हवाई ऑपरेशन को भी अंजाम दिया गया। यह ऑपरेशन सैन्य विमानन के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में पहली बार हवाई शक्ति नियोजित की गई थी। इस ऑपरेशन के दौरान ग्राउंड पर कोई भी एक ऐसा ऑपरेशन नहीं था जो हवाई हमले के बिना संभव हुआ हो। इसके अलावा 1997 के ऑपरेशन पवन के दौरान उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका में भारतीय शांति सेना का मिशन लगभग 30 माह चला और इस मिशन के दौरान एक भी वायुयान की क्षति नहीं हुई और मिशन को सफल बनाते हुए भारतीय वायुसेना के मालवाहक वायुयानों और हेलीकॉप्टरों ने श्रीलंका में लगभग 70,000 सौटियां भरी। इसके अलावा 1988 के ऑपरेशन कैक्टस के दौरान भारतीय वायुसेना ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। दरअसल इस दौरान श्रीलंका में कारोबार करने वाले मालदीव के अब्दुल्ला लतूफी ने श्रीलंकाई उग्रवादियों के साथ मिलकर तख्ता पलट की योजना बनाई थी, लेकिन इमरजेंसी मैसेज के 9 घंटे बाद ही भारतीय वायुसेना की मदद से भारतीय सेना के कमांडो मालदीव पहुंचे। भारतीय सेना ने कुछ ही घंटों में सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया और मालदीव के तख्ता पलट को नाकाम कर दिया। इसके अलावा 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर फतह हासिल करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, जिसमें एयरफोर्स ने विपरीत परिस्थितियों में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में जवानों और साजो सामान को उतारकर इतिहास रच दिया। फरवरी 2019 में सेना पर हुए आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक करके आतंकियों के कैंप तबाह कर दिए। चीन के साथ बढ़ते तनाव की स्थिति में भी भारतीय वायुसेना ने अहम भूमिका निभाते हुए लगातार सीमा की चौकसी की है। भारतीय वायुसेना सियाचिन जैसे दुर्गम इलाकों में हमारे जवानों तक राहत सामग्री और मेडिकल सुविधा पहुंचाने का काम लगातार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय वायुसेना का आधिकारिक तौर पर गठन 8 अक्टूबर 1932 को किया गया। तब एयरफोर्स को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। इसकी पहली वायुयान उड़ान 1 अप्रैल 1933 को भरी गई।
जब 1932 में एयरफोर्स की शुरुआत हुई थी तब भारत के पास सिर्फ 4 वेस्टलैंड वापिती 2A एयरक्राफ्ट थे। भारत के पास जब एयरफोर्स का तब एक ही दस्ता था जिसमें RAF के 6 ट्रेंड ऑफिसर्स और 19 हवाई सिपाही शामिल थे। गठन के 4.5 बरस बाद भारतीय वायुसेना का विकास शुरू हुआ। 4.5 बरस बाद ए फ्लाइट ने बागी भिट्टानी जनजाति के लड़ाकों के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशंस में सहायता करने के लिए उत्तरी वजीरिस्तान में मिरान शाह से पहले किसी लड़ाई में भाग लिया था। इसी दौरान अप्रैल 1936 में पुराने वापिती वायुयानों से एक बी फ्लाइट गठित की गई और जून 1938 में सी फ्लाइट का गठन किया गया जिससे नंबर 1 स्क्वाड्रन के बेड़े में प्रत्यक्ष तौर पर पर्याप्त इजाफा हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक वायुसेना के कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 16 अफसर और 662 वायु सैनिकों तक हो गई थी। 1939 में चैटफील्ड समिति ने भारत की रक्षा से संबंधित समस्याओं का फिर से मूल्यांकन किया। इस समिति ने भारत के रॉयल एयरफोर्स स्क्वाड्रनों में और अधिक उपकरण शामिल करने का सुझाव दिया। 1939 में यह प्रस्ताव किया गया कि मुख्य बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए 5 हवाई दस्तों की स्वैच्छिक आधार पर व्यवस्था की जाए। मद्रास में पहला हवाई दस्ता, बंबई में दूसरा, कलकत्ता में तीसरा, कराची में चौथा, कोचिन में पांचवा और बाद में विशाखापट्टनम में 6ठा हवाई दस्ता बनाया गया। 1944 के अंत तक भारतीय वायुसेना में 9 स्क्वाड्रन्स बन चुके थे। मार्च 1945 में भारतीय वायुसेना को रॉयल की उपाधि दी गई। ये सम्मान उसे दूसरे विश्व युद्ध में प्रशंसनीय योगदान के लिए दिया गया था। अगस्त 1945 में युद्ध की स्थिति समाप्त होने पर रॉयल इंडियन एयरफोर्स में 28,500 कर्मी थे जिनमें से 1600 अधिकारी थे। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के समय रॉयल इंडियन एयरफोर्स की संपत्ति को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया था। अग्रमोर्चे के 10 स्क्वाड्रनों में से 2 नवनिर्मित रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स को दिए गए। जनवरी 1950 में ब्रिटिश राष्ट्रकुल के अंतर्गत भारत के गणतंत्र बनने पर रॉयल की उपाधि हटा दी गई। उस समय भारतीय वायु सेना के पास स्पिटफायर, वैम्पायर और टेम्पेस्ट के 6 लड़ाकू स्क्वाड्रन थे। आने वाले वर्षों में इन स्क्वाड्रनों की संख्या और बढ़ी। पुराने और घिस चुके वायुयानों को हटा दिया गया और उन्हें आधुनिक और बेहतरीन वायुयानों से बदला गया। भारतीय वायुसेना की फिलहाल 7 कमाने हैं जिनमें से 5 ऑपरेशन, 1 मेंटेनेंस और 1 ट्रेनिंग कमांड है। ऑपरेशनल कमानों में पश्चिमी कमान जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, प्रयागराज में केंद्रीय कमान, शिलोंग में पूर्वी कमान, गांधीनगर में दक्षिण पश्चिमी कमान। ये 5 कमानें अपने प्रशासनिक विभागों की सहायता से लगभग 20 हेलीकॉप्टर इकाइयों, 45 स्थाई विंग स्क्वाड्रन और अन्य कई भूमि से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्क्वाड्रनों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखती हैं। लगभग 1,700 वायुयानों की देखभाल के लिए करीब 1,20,000 कर्मचारी लगे हुए हैं। भारत की आजादी के समय रॉयल इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख को कमांडर इन चीफ कहा जाता था और उसका दर्जा एयर मार्शल का होता था। एयर मार्शल सर टॉमस डब्ल्यू एल्महर्स्ट रॉयल इंडियन एयरफोर्स के पहले कमांडर इन चीफ थे। 1 अप्रैल 1954 को एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के वायुसेना के पहले भारतीय प्रमुख बनने के साथ ही ये पद खत्म हो गया। 1 अगस्त 1964 से वायुसेना के प्रमुख के पास एयर चीफ मार्शल का पद भी है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ स्पर्शम दीप्तम, जिसका मतलब है गर्व के साथ आकाश को स्पर्श करें। यह आदर्श वाक्य गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है और ये कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। वायुसेना का ध्वज इसके निशान से अलग नीले रंग का है जिसके पहले 1/4 भाग में राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ है और मध्य भाग में राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग यानी केसरिया, सफेद और हरे रंग से बनी एक गोलाकार आकृति है। ये ध्वज 1951 में अपनाया गया था। 1932 से अब तक
भारतीय वायुसेना ने अलग अलग देशों में बने 73 विभिन्न प्रकार के वायुयानों को उड़ाया है। 1930 और 1950 के दशकों के दौरान इसने वापिती और टाइगर मॉथ जैसे एक इंजन वाले विमानों को उड़ाया है। 1940 के दशक में टर्बो प्रोपेलर युक्त वायुयान की शुरुआत हुई, जिनमें से सबसे चर्चित स्पिटफायर फाइटर और डकोटा ट्रांसपोर्टर है। 1948 से 1972 तक भारतीय वायुसेना ने पहले टर्बोजेट वायुयानों में से एक वैम्पायर का इस्तेमाल किया। भारतीय वायुसेना की ओर से उड़ाया जाने वाला पहला हेलीकॉप्टर सिकोर्स्की था, जिसका उपयोग 1954 से 1966 के बीच किया गया। 1957 में भारतीय वायुसेना ने एक छोटा हेलीकॉप्टर बेल हासिल किया, जिसका 1972 तक उपयोग किया गया। आज भारतीय वायुसेना के पास करीब 450 से अधिक हेलीकॉप्टर और ME-26 भारी हेलीकॉप्टर हैं, जो भारतीय वायुसेना और देश का गौरव है। भारतीय वायुसेना को संबोधन में ये गीत।